हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब लोगों के? और सिंस मैं कैमरे पे आया हूँ, वीडियो पे आया हूँ, तो दैट मींस मेरे साथ कोई यकीनन मौजूद है। और जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, क्या कमाल के आदमी है। मतलब जो इंसान ज़िंदगी भर सोचता ही रहे, वो भाई ये काम करके आ चुके हैं। अब सस्पेंस नहीं बढ़ाता, मैं बताता हूँ। जिस शख्सियत का मैं अभी इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ, वो हैं बिलाल फारूक, जो कि इंजीनियर हैं बाय हिज बैकग्राउंड, लेकिन ही इज़ अ प्रोफेशनल एथलीट। और अभी हाल में ही कराची से मुल्तान बाय फीट, बाय वॉक, जॉगिंग करते हुए गए हैं। दैट मीन्स 1000 किलोमीटर्स ऑफ रनिंग, 27 दिन में एक आदमी कराची से मुल्तान भागते हुए पहुंच गया। क्या आप सोच भी सकते हैं ऐसा? अब मैं आपको मिलाता हूँ बिलाल फारूक से। कैसे हैं बिलाल भाई? ठीक ठाक बिल्कुल। ये थैंक्स लाइट सर। आपके पीछे नूर आ गया ना, आप इतने ग्लो कर रहे हैं। मुझे ये बताएं बिलाल भाई, सबसे पहले आप जो है इधर आ जाए ताकि आपकी ये लाइट गायब हो जाए पीछे से। हाँ जी, बेहतरीन। ये बताएं कि कहाँ से शुरू हुआ भाई, कि 1000 किलोमीटर भागना है, ये कहाँ से आया आइडिया? कराची में अपने घर से ही निकला था 1000 किलोमीटर जर्नी, और ये मुल्तान से आगे कच्चा कूह है, उससे भी 2-3 किलोमीटर आगे मेरा ये सफ़र ख़त्म हुआ था 1000 किलोमीटर का। राइट। अब मुझे ये बताएं कि ये तो हम डिटेल में भी, क्योंकि एक बड़ा एक्सक्लूसिव शो आने वाला है मेरा बिलाल भाई के साथ, उसमें सारी डिटेल मिलेंगी कि ये कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्या चैलेंजेस थे, कैसे खाते थे, कहाँ सोते थे, कहाँ रहते थे, क्या होता था, ये सारी डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँगा, यार ये कमाल का आदमी जिसने वो काम किया है जो हम में से ना कोई सोच सकता है, ये करके आ गए 1000 किलोमीटर बंदा बाई फीट कराची टू मुल्तान, अकेला आदमी, नो प्रोटोकॉल, ये नहीं पता कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, लेकिन कर पड़े। सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी जो पाकिस्तान की शो हुई। लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, सिंध आप रात रात में क्रॉस नहीं करें, गाड़ी में लुट जाएंगे। ये बंदा अकेला पैदल यहाँ से मुल्तान चला गया सिंध क्रॉस करते हुए। और कैसा आपका वैसे सफ़र रहा, हाउ बहुत आर द अच्छा पीपल? रहा, एडवेंचरस रहा, बहुत ही एक सेफ कहूँगा मैं। और बहुत सारी बातें सुनी थी कि लोग इस तरह के मिलेंगे और लुटेरे मिलेंगे, आपको अफवाह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये कि काफ़ी सेफ जर्नी रहा मेरा, और बहुत ही एडवेंचरस रहा, बहुत ही इंजॉय किया मैंने और बहुत ही मज़ा आया। और ख़ासतौर पे जैसे ठंडे मौसम में निकले थे हम लोग, रजाई से बाहर नहीं निकलते, ये बंदा आधी रात को ऊपर रोड पे भाग रहा होता था। बट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पाकिस्तान की पॉजिटिव साइड दिखाई कि यार पाकिस्तान में सब हो सकता है, बहुत सेफ है पाकिस्तान। एंड आई वॉन्ट एवरी वन ग्लोबली टू सी कि एक आदमी जब 1000 किलोमीटर दिन रात पैदल चल सकता है रोड पे, तो आप कैसे कह सकते हैं कंट्री सेफ नहीं है? सो पाकिस्तान इज सेफ, पाकिस्तान इज़ ब्यूटिफुल, पीपल आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड एवरीथिंग इज़ नाइस। बाकी की डिटेल्स बिलाल भाई के साथ को मिलेंगी एक्सक्लूसिव शो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है, आप लोगों को बिल्कुल वो देखने को मिलेगा। एंड इन दी एंड मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे इस तरह के जो लेजेंड्स होते हैं ना, इस तरह के हमारे जो स्टार्स हैं, जो वो काम अचीव करते हैं जो हम में से कोई सोच नहीं सकता, इनको सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करें? बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी। नेक्स्ट ट्रिप पे बिलाल भाई कब जाने का प्लान है? मार्च में मैं सोच रहा हूँ। मार्च में? तो मार्च में अब 1000 किलोमीटर किया था, 1000 से भाई 1500 किलोमीटर पे चले जाने के मूड में, उसके अंदर हमने आपने मिल के सपोर्ट करना है। इन सेंस इनको जर्नी इनकी फॉलो करें, इनका जो इतना बड़ा स्किल है, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, वो हम शेयर करें। और जो जितने स्पॉन्सर्स हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितनी फेडरेशन हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि गेट ऑन बोर्ड, यू नो, जूते ला के दें, टेंट्स ला के दें, अकोमोडेशन दें, और जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं एक ट्रिप को पूरा करने में, वो सब आपने मैंने मिलके करना है, क्योंकि एक आदमी पाकिस्तान की इमेज ग्लोबली लेके जा रहे हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं यार। सो लेट्स जस्ट सपोर्ट दिस स्टार, और मिस्टर हैप्पी के नाम से आप इनको फेसबुक पे ढूंढ सकते हैं। एंड बाकी कुछ बिलाल भाई कहना चाहेंगे यंगस्टर? थैंक यू सो मच, एंड मिस्टर उमर इज़ वेरी मच सपोर्टिव, और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इन्होंने अच्छे टिप्स बताए, और बहुत अच्छा टाइम इनके साथ स्पेंड हो रहा है मेरा, और काफ़ी अच्छे मतलब। चले, ये वैसे कोई पेड प्रमोशन नहीं थी, इनकी मोहब्बत है। एंड लेट मी टेल यू गाइस के यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुशी तब होगी जब हम देखेंगे कि बिलाल भाई हमारे इंटरनेशनली भाग रहे होंगे, और इनका ड्रीम है ओलंपिक्स में जाना, और मेरा भी अब ड्रीम ही बन गया कि हमारा कोई पाकिस्तानी ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करे। तो इंशाल्लाह बिलाल भाई ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। हाथ हम मिला रहे हैं क्योंकि हमारे हाथ सैनिटाइज्ड हैं। सो स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।